पीएचसी सीएचसी राजकीय अस्पताल उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत लेवल पर टीकाकरण हुआ है और हमारी मेडिकल टीम भी काफी मेहनत कर रही है। लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है, महिलाओं में, पुरुष में, जवानों में, बूढ़ों में, प्रौढ़ों में, सब जबरदस्त उत्साह है और लोग बाग आगे होके पहल करके अपना टीका लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि काफी अच्छा टीकाकरण चल रहा है। सर लगभग आज गंगापुर सिटी में और आसपास के जो भी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ लगभग कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? मैं आपको निवेदन करूँ जैसे 15,000 डोज मिली है ना जी, अब वो अभी भी लोग बागों में इतना उत्साह है कि अभी भी टीकाकरण चल रहा है जी। अब वो एग्जैक्ट फिगर तो है जो सारा डाटा पूरे ब्लॉक से कलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सी में चुकया गया तो वो जो डाटा हमारे पास आएगा तब हम बता पाएंगे एग्जैक्ट फिगर कि कितने लोगों ने टीकाकरण करवाया, कितने लोगों ने फर्स्ट डोज ली, कितने लोगों ने सेकंड डोज ली और टोटल कितने व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन करवाया। सर गंगापुर सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी प्रयास किया इसके लिए और गंगापुर सिटी अव्वल भी है डोज लगाने में? देखिए मैं निवेदन करूँ आपको, मैंने बताया ना काफी पूरा गंगापुर सिटी और पूरे क्षेत्र में पूरी टीम स्पिरिट से काम चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी, तहसील के पटवारी, गिरदावर वगैरह है और पुलिस का काफी अच्छा रोल है। जैसे कि पुलिस ने है जो हमने जब जाब्ता मांगा तो प्रत्येक केंद्र पर इन्होंने दो दो कांस्टेबल और इवन आरएसी के जवान हमको दिए हैं। कलक साहब ने सिविल डिफेंस के 5 जवान हमको भी दे रखे हैं तो हम उनको लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं और वो लोगों को संपर्क करके और उसमें लोगों को टीकाकरण के लिए मोटिवेट भी करते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूल है, प्राइवेट है, सरकारी है, वो अपने स्टूडेंट्स के जरिए उनके परिजनों से कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए और उनको है जो मोबिलाइज करते हैं टीकाकरण के लिए। सर गंगापुर सिटी में और गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आप गए लगभग कितना परसेंटेज आ चुका है वैक्सीनेशन का? देखिए मैं निवेदन करूँ आपको एग्जैक्ट फिगर है ना, चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अभी बताया नहीं जा रहा है, अभी शायद वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, जब भी बताएंगे रिपोर्ट आएगी डिस्ट्रिक्ट की तब मैं आपको बता पाऊंगा। बाकी गंगापुर सिटी में अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हम इसका और अच्छा करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि हम 100% लोगों को, जो भी पात्र लोग हैं, उनको टीकाकरण करके और गंगापुर सिटी को COVID-19 से पूर्णतः सुरक्षित कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रशासनिक पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों में एडिशनल साहब ने भी काफी मेहनत की है और खुद भी इसके चलते पॉजिटिव भी हो गए और इसके बाद भी कदम नहीं रुके, एडिशनल साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए एडीएम साहब ने विस्तृत रूप से आपको बता ही दिया, राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है आमजन के हित में है और हम प्रयास कर रहे हैं, ये किसी अकेले विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, न सिर्फ प्रशासन की अपितु जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। प्रशासन सहयोग कर रहा है और जनता का हमें साथ मिल रहा है और परिणाम आप देख रहे होंगे, हमारा जो सेक्टर है गंगापुर सिटी वो जिले में प्रथम स्थान पर है और इसके लिए जो भी रणनीति है एडीएम साहब के निर्देशन में जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं हम उनकी अक्षरशः पालना करते हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल 100% वैक्सीनेशन हो ताकि कोरोना फ्री हम लोग हो सके। सर आज की जो सीएलजी मीटिंग है उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल बताए गए हैं आपके द्वारा? आज जो सीएलजी और शांति समिति की जो मीटिंग ली वो हमारे पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देश जो भी वर्तमान में आए हैं उनसे अवगत कराने के लिए रखी गई थी। आज की जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा था, जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, विशेष रूप से 21 तारीख को जो ईद का त्यौहार है उसमें हमने यह बताया है कि दिशा निर्देश सरकार के ये हैं कि किसी भी प्रकार का धार्मिक जो आयोजन है उस पर सामूहिक रूप से उसका आयोजन सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जावे। इसके लिए हमने आज शहर के गणमान्य प्रमुख और सभी जो धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया और उनको समझाया और यही कहा कि जिस तरीके से हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए ही इस त्यौहार को मनाना है और सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि पूर्णतः जो सरकार के निर्देश है उनकी पालना की जाएगी। सर अभी ईद के अलावा भी धार्मिक आयोजनों पर सब पर पाबंदी है? अभी जो भी आयोजन है जो राज्य सरकार का जो अभी दिशा निर्देश जो जारी है 16 तारीख को उसमें ईद के लिए भी है, जो जैन समाज का जो चतुर्मास का कार्यक्रम है उसके लिए है, जो पूर्णिमा पर जो ये गोवर्धन में परिक्रमा है, इसके अलावा जो भी आगामी जो त्यौहार है उन सभी पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो और सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो।
जो दिशा निर्देश हमने मीटिंग में सबको बताया।